गुड इवनिंग खुश रहो स्वस्थ रहो सभी को एक एक मोल आशीर्वाद हां जी आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने अच्छा लास्ट क्लास में होमवर्क क्या दिया था यस लास्ट टू चैप्टर्स ओनली, और वो भी बहुत बड़े नहीं है दोनों मिला के अराउंड ट्वेल्व लेक्चर्स चाहिए हमें तो डेफिनेटली दिवाली से पहले तो अपन कंप्लीट कर ही लेंगे क्या कह दिया था ओ टू वन से लेके फोर्टीन और जेई मेंस वन से लेके ट्वेंटी वन से लेके फोर्टीन जे मीन वन से ट्वेंटी तक ठीक है तो जल्दी से ये डिस्कशन करते हैं और फिर सेकंड लास्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं किसना जी मैंने कोचिंग में कर लिया था बेटा करो समझ में आएगा तो मैं डिफरेंस पता चलेगा किसना करो वापस चैप्टर को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी डोंट वरी हाँ बेटा जो डिस्कशन के लिए मना करते ना क्या बोलो उनको भगवान बेटा बुरा मान जाएंगे सीरियसली बता रहा हूं जेई के अंदर आप डिस्कशन को मना करते हो मतलब आप भगवान को बुरा भला बोल रहे हो तो सोच लो तुम पंगा मत लो हमेशा तैयार रहो डिस्कशन के लिए सर यस कैनी पूछ रहा सर वो नाइट्रेट वाले का आंसर आन्स, नहीं मिला हम्म क्या अभी देख लेते हैं बेटा ऑटू के आंसर भी दिख जाएंगे सब पता चल जाएगा तो पहले जेई मेंस पर आ जाते हैं जेई मेंस वन से लेके ट्वेंटी जेई मेंस वन से लेके ट्वेंटी तक कोई डाउट ट्वेंटीएथ नंबर में डाउट है सिक्स में डाउट है फोर्थ में भी डाउट है बेटा आज लिक्विड सॉल्यूशन डिस्कशन के बाद स्टार्ट करेंगे अरे दिव्यांशु जब वीक एसिड और स्ट्रोंग बेस का कर लिया तो तुम सोच लो क्या आएगा धीरे धीरे सब में डाउट्स करते जा रहे हो क्वेश्चन नंबर टू नहीं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर टू नहीं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर देन बीच में बाकी तो कर ही चुके थे हम सेवंथ वो भी नहीं बता रहा हूं फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केसीएल स्ट्रॉग इलेक्ट्रोलाइट इज हायर इज हायर कंपेयर टू दैट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल सही बात है क्योंकि एक स्ट्रॉग है एक वीक है मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज इज विथ इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ कम होती है बट दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से अलग है दोनों स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर हाँ तो कहां प्रॉब्लम है डेली तो है उसका आंसर देखो सही है या क्या होना चाहिए ओके okay, डेली नहीं होना चाहिए बोथ आर फॉल्स क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर कैलकटा होगा भाई कैलकटा बोथ आर ट्रू लिमिटिंग मतलब इन्फानाइट से होता है बेटा रेशी लिमिटिंग का मतलब इंफानाइट विशाल क्या बोल रहे हो अब तो बनते ना तुम्हें क्वेश्चन तुमसे अब तो क्वेश्चन बनते हैं अभी भी नहीं बनते चलो आगे बढ़ो टेंथ तक किसी को कोई डाउट नहीं है एटींथ में डाउट है एटीनथ में बेटा के सी एल और NaCL CL सी लाइन तो दोनों में कॉमन है के प्लस की कंडक्टिविटी Na प्लस से ज्यादा होती है स्ट्रेट लाइन आता है तो इसका आंसर देख लो हमेशा ही के की कंडक्टिविटी NaCL से ज्यादा होगी KCL की कंडक्टिविटी हमेशा ही NaCL से ज्यादा होगी विशाल कह रहा है सर अब तो एडवांस तक के बन जा रहे हैं बहुत बढ़िया वेरी गुड विशाल ये हुई ना बात अब केमिकल काइनेटिक्स कहां से आ गया चलो डन यार एटीन का आंसर मेरे पास तो कैलकटा ही है अगर आगरा है तो चेंज कर लेना सम्यक एटींथ का आंसर कैलकटा ट्वेंटी का आंसर ये पहले भी कहीं दिखा था वैसे तो फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होता है एसिड और फिर एसिडिक एसिड तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का आंसर कैलकटा बट ये थोड़ा डेटा बेस्ड है मतलब डेटा सबको पता होता है फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड में कौन ज्यादा है लेकिन फॉर्मिक एसिड बेंजोइक एसिड को कंपेयर करना डेटा बेस्ड है सबसे ज्यादा होता है के फॉर्मिक एसिड का फिर बेंजोइक एसिड का और सबसे कम के होता है इन तीनों में एसिटिक एसिड का बेटा कोई टिप्स नहीं दी जो होमवर्क करेगा उसके मार्क्स आएंगे जो होमवर्क नहीं करेगा उसके मार्क्स नहीं आएंगे दैट्स इट और क्या बचा और बताइए कोई डाउट चलिए ओ टू पर आ जाते हैं ओ टू में वन से लेके फोर्टीन तक दिए थे मैंने ना क्वेश्चन नंबर वन ओ टू का क्वेश्चन नंबर वन में दो अलग अलग टेम्परेचर पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है दो इक्वेशन बनाओ दो वेरिएबल हो जाएगा डेल्टा एच और डेल्टा एस। क्वेश्चन नंबर वन में दो अलग अलग टेम्परेचर पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है कर लो डेल्टा जी इक्व टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस बिल्कुल सही कहा क्वेश्चन नंबर टू सेल टू और थ्री टू का रेजिस्टेंस है टू ओम, थ्री का है सिक्स ओम तो करंट किस रेशियो में डिवाइड होगी करंट जो होगी वो जिसका चार्ज कम यानी सिक्स इंस टू टू मतलब थ्री इस टू वन के रेशियो में डिवाइड हो जाएगी यहां तो यूं कह दो कि यहां फोर फेराडे या थ्री फेराडे या वन फेराडे अब आगे कैसे करना वो तुम जानो नेक्स्ट वेटानेतिक सॉल्यूशन चैप्टर सब पे डिपेंड करता है अब पूछते ही रहो कोर्स एंड होने के बाद भी तुम क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री मोलर कंडक्टेंस ऑफ सी एफ टू इज टू टाइम्स इक्वलेंट कंडक्टेंस ऑफ सी एफ टू और सी एफ टू की इक्वल कंडक्टेंस क्या होगी सी एफ टू की इक्वल कंडक्टेंस इक्वल कंडक्टेंस ऑफ कैल्शियम प्लस इक्वल कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आयन ये आंसर है साहब तो किसने कहा थर्ड का आंसर गलत है थर्ड का आंसर बिल्कुल सही है मैंने क्लोराइड लिख दिया फ्लो फ्र, एफ लिख देना कोई प्रॉब्लम नहीं है यस yes, बी और सी ऑप्शन सेम ही दिख रहे हैं वैसे तो सही कह रहे हो ठीक है कोई बात नहीं नेक्स्ट आगे बढ़ो जल्दी से जल्दी जल्दी बोलो फिफ्थ सिक्स सेवन एट लाइन से पूछ लो बेटा फिफ्थ नहीं बता रहा हूं सिक्स भी नहीं बता रहा हूं स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो किसी को क्या करेगा रिड्यूस करेगा खुद क्या होगा ऑक्सीडाइज होगा तो यहां पर प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास तो इसका डेटा ही नहीं है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में एक काम करो यार आगरा ऑप्शन जो है ना O2 का फिफ्थ उसमें आगरा ऑप्शन में क्रोमियम प्लस थ्री की जगह क्रोमियम लिखो क्रोमियम लिखो तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.74 फिर ये सही हो जाएगा ऑप्शन में से हम्म खुद ऑक्सीडाइज होगा खुद ऑक्सीडाइज होगा एक्चुअली राइट नाउ क्रोमियम प्लस थ्री का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो दे ही नहीं रखा इसमें काम करो क्वेश्चन नंबर फाइव में इसको क्रोमियम लिख दो और फिर इसका आंसर भी बदल दो ए बी और डी ऑप्शन ए बी सही होगा ठीक है अब ठीक है क्योंकि जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो किसी को रिड्यूस करता है तो खुद ऑक्सीडाइज होता है तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा और इन सब में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फिर क्रोमियम का ही होगा नेक्स्ट और डाउट बोलिए आगे फिफ्थ के बाद फिफ्थ के बाद जल्दी जल्दी बोलो क्वेश्चन नंबर टेंथ का आगरा ऑप्शन कॉपर के ही इलेक्ट्रोड्स हैं और यानी एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं तो क्वेश्चन नंबर टेंथ में कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होगा कॉपर का ही रिडक्शन होगा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग याद करो मैंने कहा था तो क्वेश्चन नंबर टेंथ के आगरा में इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होगी क्वेश्चन नंबर नाइन्थ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ सेल रिएक्शन ई नॉट सेल की बात हो रही है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में ई नॉट सेल देखो एची से एची प्लस वैसे एक्चुअल में ये रिएक्शन तो नहीं है बट ये ई e, नॉट e एजी एजी प्लस शॉर्टकट लगा रहा हूं मैं शॉर्टकट लगा रहा हूं माइनस पॉइंट जीरो सिक्स अपॉन एन लॉग ऑफ के एसपी अपॉन एजी प्लस आइन सॉरी के एसपी अपॉन सी एल आईन ठीक है अगर ये सी आइन की कंसेंट्रेशन में वन पुट कर देता हूं तो ये जो ई e है वो भी ई e नॉट हो जाएगा बट किसका ई e नॉट हो जाएगा वो ई e नॉट ऑक्सीडेशन एजी सी एल ए जी सी एल का अगर ये सी एल एन कंसेंट्रेशन क्या पुट कर देंगे वन और अब आप सोचो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई ई नॉट ए जी ए जी प्लस माइनस पॉइंट जीरो सिक्स अपॉन वन लॉग ऑफ के एस पी और रिडक्शन साइट में इसी का उल्टा हो रहा तो ई नॉट ऑक्सीडेशन ई नॉट रिडक्शन करोगे तो ये वाली टर्म तो हट जाएगी और ये वाली टर्म जो है यह पॉजिटिव होगी क्यों क्योंकि के एस पी की वैल्यू वन से कम है के एस पी की वैल्यू वन से कम है यह ई नॉट ऑक्सीडेशन आ गया यहां पर ई नॉट रिडक्शन साइट का क्या है ई नॉट एजी प्लस प्लस एजी दोनों को ऐड करोगे ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी माइनस पॉइंट जीरो सिक्स लॉग ऑफ के एस पी विच इज ई नॉट सेल और ई नॉट सेल राइट नाउ क्या हो गया पॉजिटिव क्योंकि के एस पी से कम है अमन वैसे भी कर सकते हो बिल्कुल सही कहा अमन ने कहा कि तीनों रिएक्शन लिखकर ऐड कर दो और दो रिएक्शन कैंसिल आउट हो जाएगी बिल्कुल सही कह रहे हो तुम वैसे भी कर सकते हो हां इसका आंसर डी है क्योंकि आगरा ऑप्शन सही है तो बॉम्बे भी सही होगा और ई सेल डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर वो कैसे पता चलेगा तो ऊपर डेल्टाइस रिएक्शन नेगेटिव दे रखा है तो एन एफ डी अपॉन डी टी अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा डेली ऑप्शन सेल डिक्रीजेस बाय डायल्यूटिंग एनोडिक सॉल्यूशन एनोड पर जो सोल्यूशन है सीएलइन कंसेंट्रेशन कम करेंगे ये डिनोमिनेटर में ये नेगेटिव तो इसका इंपैक्ट पॉजिटिव हो जाएगा बेटा केएसपी दिव्यांशु सारे केएसपी वन से कम ही होते हैं ही के एस पी वन से कम ही होते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन आसान है यार क्वेश्चन नंबर इलेवन आसान है स्वपन मैंने वो इनोट निकाल लिया यहां से देखना इसको चलो जल्दी डन फोर्टीन तक दिए थे एट आसान हो जाएगा आसान है ट्वेल्थ आसान है सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट एट इन्फानेट एल्यूशन इन्फानेट डल्यूशन पर लेमडा एम की वैल्यू मैक्सिमम होती है ट्रू रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता भाई रेजिस्टेंस तो होता है कम होता है लेकिन जीरो नहीं बोलोगे तो बॉम्बे ऑप्शन फॉल्स क्वेश्चन नंबर फोर्टीन बता रहा हूं थर्ड वन एम इंफानाइट इज कॉन्स्टेंट नहीं टेम्परेचर के साथ एम इंफानाइट वेरी करता है कांस्टेंट नहीं है नो रिएक्शन नो इंटरेक्शन रिमेन्स अमंग दी आयन ये स्टेटमेंट सही है इन्फानेट डाइल्यूशन पर आयस के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है दैट्स ट्रू और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर विच इज लिक्विड सॉल्यूशन धीरे धीरे कोर्स कंप्लीशन की ओर बढ़ते हुए नहीं तो वैसे आप सब लोगों को, को बधाई वैसे ठीक है अभी आप लोगों को मैच तो नहीं देख रहा नहीं कि ना, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं क्योंकि आप लोगों को पता होगा नहीं कि भारत जो है एट टाइम आठवीं बार भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हरा दिया और इस बार तो बड़ा कन्विंगली हर, हराया और शायद अपनी बात आपसे तो नहीं हो रही थी किसी और बैच में मैंने बोला था मैं चाहता था कि रोहित शर्मा खेले तो यही हुआ रोहित शर्मा ने अच्छे खेसे इनिंग खेली मजा आया उसे देख के ठीक है ना हम्म तो तुम लोग मैचेस देखना मत सारी स्टोरी अगर कुछ भी है तो मैं बता दूंगा तुम्हें बट मैं केवल कुछ कुछ मैचों के बारे में बताऊंगा मैं भी सारे मैचेस नहीं देखता तुमको अभी बोला गया कोई सर आपसे ज्यादा तो हमें पता है आप क्यों क्या बताओगे हमें तो नहीं कह रहा सर रोहित ने एक मैच नहीं खेला तो सब क्या क्या नहीं बोलते लेकिन अब कुछ नहीं बोलेंगे ऐसा तो नहीं लगता एकदम रोहित का फैन है हा? लक्ष्य स्कोर भी मत देखो हाइलाइट्स लगा दूंगा ऐसा अब तो देखो यार मैच तो एक ही था अब कौन सा मैच है ऑस्ट्रेलिया वाला हो गया ठीक है न्यूजीलैंड वाला ठीक होगा और कौन सा ठीक होगा न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका इंग्लैंड उसमें भी ज्यादा दम नहीं है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका चलो बहुत बढ़िया समीर तुम्हें नहीं पता तो लिक्विड सॉल्यूशन बेसिकली चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है तो मैं आपको बता दूं इस जो चैप्टर है लिक्विड सॉल्यूशन एक तो बात हम करेंगे लिक्विड की सॉल्यूशन मतलब उसका मिक्सर तो लिक्विड से रिलेटेड वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जैसे लिक्विड की हम बात करें तो लिक्विड विस्कोसिटी कह सकते हो लिक्विड का सरफेस टेंशन कह सकते हो लेकिन लिक्विड्स की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो वो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये अगेन दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है किसी भी लिक्विड की कि किस टेम्परेचर पर वो फ्रीज होगा किस टेम्परेचर पर वो वेपराइज होगा मेल्टिंग पॉइंट को आप फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल सकते हो डिपेंडिंग अपॉन की प्रोसेस क्या हो रहा है सॉलिड से लिक्विड तो मेल्टिंग पॉइंट लिक्विड से सॉलिड तो वही फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है किसी भी लिक्विड की और एक लिक्विड सॉल्यूशन की भी लिक्विड सॉल्यूशन मतलब एक से ज्यादा लिक्विड को अगर आपने कुछ मिक्स कर दिया समथिंग लाइक दैट तो कोई भी जो लिक्विड है या लिक्विड सॉल्यूशन है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है मैं आपको बता दूं ये फिक्स नहीं होता है ये वेरी करता है ये बहुत सारे पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है तो ये किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे राइट right? तो मेनली ये जो चैप्टर है इस अबाउट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बट ये जो दोनों प्रॉपर्टीज होती है लिक्विड की मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों लिक्विड के वेपर प्रेशर से कनेक्टेड होती है तो ये सब वेपर प्रेशर से ही गवर्न होता है सब कुछ तो आप ये कह सकते हो कि इस चैप्टर में मेनली हम तीन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे वेपर प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट राइट right? तो लिख सकते हो आप यहां पर दिस चैप्टर मेनली डील्स विथ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड एंड इट्स सॉल्यूशन राइट अप स्टार्ट करते करने से पहले दो ये डेफिनेशन ऑलरेडी आप लोगों को पता है लेकिन एक बार फिर से मैं बता देता हूं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है हम सबको पता अगर किसी कंटेनर में हमने कोई लिक्विड भरा हुआ है तो ये वेपराइज होता है कब तक वेपराइज होगा जब तक प्रेशर इसके वेपर प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता जैसे ही कंटेनर में प्रेशर उसके वेपर प्रेशर के बराबर होगा यह वेपराइजेशन रुक जाएगा सिस्टम इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाता है चाहो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो ए लिक्विड कन्वर्टिंग इन टू ए गैस एट इक्विलीब्रियम केपी विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और एट इक्विलिब्रियम ये जो प्रेशर है इसी को हम क्या कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और इन केस ऑफ वाटर इसको और क्या बोला जाता है एक्वस टेंशन पानी के केस में इसको हम और क्या बोल देते हैं एक्वस टेंशन राइट और यहीं से हमें यह भी समझ में आता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज करोगे वेपर प्रेशर भी बढ़ता है क्यों वेपर प्रेशर बढ़ता है क्योंकि इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की वैल्यू बढ़ती तो एस टेम्परेचर इंक्रीजेस केपी इंक्रीजेस

T1 minus 1.22 ये कुछ भी नया नहीं है सब आप लोगों को पता है ये सब आप लोगों को पता है और यहीं से आप ये भी कह सकते हो कि ये जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी लिक्विड का इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर ये केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कंटेनर की साइज क्या है बड़ा कंटेनर है छोटा कंटेनर है लिक्विड की क्वांटिटी वन लीटर है या लिक्विड की क्वांटिटी टू लीटर है ये उस पर डिपेंड नहीं करता है तो क्यों क्योंकि केपी केवल किस पर डिपेंड करता है टेम्परेचर पर तो वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड डिपेंड्स ओनली ऑन Temperature and is independent of and is independent of size, shape, and size and shape of the container. एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन इट लेकिन यहां पर ये तो आप सबको पता ही ऑलरेडी पहले भी डिस्कस हो चुका है कुछ भी नया नहीं है यह ध्यान रखना है ये T1 वन टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर है PT1 तो यहां से किसी T2 टू टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर आप निकाल सकते हो अब यहां पर एक्सप्रेशन में यह लिक्विड क्यों नहीं आया क्योंकि हम कहते हैं कि सॉलिड और प्योर लिक्विड एंड सॉल्वेंट अगर कोई सॉलिड है कोई प्योर लिक्विड है या कोई सॉल्वेंट है तो वो केपी के सी के एक्सप्रेशन में अपियर नहीं होता है वो केपी के एक्सप्रेशन में अपियर नहीं होता है इसीलिए ये अपियर नहीं हुआ है राइट right? लेकिन अगर मैं इसी लिक्विड में कोई और सब्सटेंस डाल दूं किसी को मिक्स कर दूं तो फिर तो ये प्योर लिक्विड नहीं रहेगा और अगर ये प्योर नहीं रहेगा तो फिर तो केपी के, के एक्सप्रेशन में ये प्रेशर ऑफ ए प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ये वाली टर्म भी आएगी क्यों क्योंकि अब ये प्योर नहीं रह गया अब क्या बन गया एक सॉल्यूशन बन गया तो अगर आप इस लिक्विड में कोई और सॉल्यूट डाल देते हो तो ये क्या बन जाएगा एक सॉल्यूशन और जैसे ये सॉल्यूशन बनेगा अब तो इस केपी या केसी के एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन ऑफ ए वाली टर्म भी आएगी क्या लगता है आपको कंसंट्रेशन चेंज होने पर क्या केपी चेंज होगा नहीं कंसंट्रेशन चेंज होने पर ये पीए वाली टर्म चेंज हो जाएगी जैसे जैसे कंसंट्रेशन चेंज होगी पी ए की टर्म भी चेंज होगी यानी वेपर प्रेशर चेंज होगा मतलब किसी एक सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर तो करेगा ही करेगा ऐसा नहीं कि टेम्परेचर पे नहीं करेगा लेकिन इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा तो एक प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है सुन लो वापस प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ऑब्वियसली लिक्विड पर डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा बाकी किसी पैरामीटर पर नहीं करेगा राइट right? तो एक प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर तो तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा लेकिन एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर या सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा और सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा तो अब किसी सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा वो कैसे निकालेंगे इसके लिए एक पूरा लॉ इंट्रोड्यूस किया गया एंड विच इज नॉन एज राउल स्लो इसके लिए लो इंट्रोड्यूस किया गया जिसे हम कहते हैं राउल स्लो तो यहां पर अब हेडिंग डालिए राउल स्लो यह हमें क्या बताएगा किसी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा प्योर लिक्विड की तो सिंपल सी बात है इजिली समझ में भी आ गया लेकिन अब बात आती है एक सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा तो राउल स्लो क्या कहता है ये राउल स्लो स्टेटमेंट बहुत सिंपल है Vapor pressure of any volatile component of a liquid solution is equal to the product of. Small fraction of that component with vapor pressure of same component when it is present. इन प्योर फॉर्म मतलब क्या हुआ इसका लेट से ये कंटेनर है जिसमें हमने क्या किया ए और बी दो लिक्विड्स को मिक्स कर दिया ए के मॉल ए के मॉल्स है एन ए बी के मॉल्स है एन बी ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी से कैसे निकालोगे ए का मोल फ्रैक्शन लिक्विड में ए के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इसी तरह से आप बी का मोल फ्रैक्शन बी निकाल सकते हो ए का जैसे निकाल रहे हैं और यह भी कह सकते हो कि दोनों के मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो हमेशा वन होगा अगर तीन कंपोनेंट है तो तीनों के मोल फ्रैक्शन का सम वन होगा चार कंपोनेंट है तो चारों के मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो वन होगा अब हमें पता है कि ये ए बी जो है क्योंकि ए बी लिक्विड बी भी लिक्विड दोनों ही लिक्विड है ये वेपराइज होंगे ये वेपराइज होंगे और थोड़ी देर के बाद यहां पर भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा जब यहां पर सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा मान लेते हैं तब वेपर के अंदर ए का प्रेशर कितना है ए और वेपर के अंदर बी का प्रेशर कितना है बी। तो राइट right नाउ आप कह सकते हो पी ए पी बी जो है वो ए और बी के वेपर प्रेशर हैं। इस पर्टिकुलर सिचुएशन पर ए और बी का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है पी ए पी बी तो अकॉर्डिंग टू राउल लॉ राउल लॉ क्या कहता है ए के कारण जो प्रेशर होगा ए के कारण जो प्रेशर होगा वो लिक्विड के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन यानी एक्स ए मल्टीप्लाइड बाय ए नोट मल्टीप्लाइड बाय पी ए नोट ये क्या है जब ए अगर प्योर स्टेट में है तो उसके वेपर प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो यानी ए नोट जब ए प्योर स्टेट में है तब उसका वेपर प्रेशर और बी का प्रेशर कितना होगा बी का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय नोट डेफिनेटली से एक्स बी की वैल्यू वन से कम होगी तो अब यहां पर ए और बी का जो वेपर प्रेशर होगा वो पी ए नोट और पीबी नोट से कम होगा मतलब यहां पर ए और बी उतने वेपराइज नहीं होंगे जितने ये प्योर स्टेट में होते हैं यहां पर उनका वेपराइजेशन कम हो जाएगा यानी आप कह सकते हो कि दो लिक्विड्स को अगर आपने मिक्स कर दिया तो उनका जो वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट के कंपेरेटिवली कम हो जाएगा कैसे निकालोगे पीए इक्वस टू एक्सए पी ए नॉट पीबीक्वस टू एक्स बी पीबी नॉट टोटल प्रेशर कितना होगा अगर पीटी की बात करें तो पी ए प्लस पीबी पीए विच इज एक्स ए पीए नॉट प्लस एक्स बी पीबी नॉट इवन आप इसको मोल्स की टर्म में भी लिखना चाहो तो एन ए पी ए नॉट प्लस एन बी पी बी नॉट डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी इनफैक्ट इस एक्सप्रेशन को देखा जाए इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो ये एक तरह से वेटेड एवरेज वाला ही केस हो गया वेटेड जैसे क्लास में मार्क्स का एवरेज निकालते ना एन वन स्टूडेंट्स के एम वन मार्क्स एन टू स्टूडेंट्स के एम टू मार्क्स उसका एवरेज तो यहां पर भी इसको देखकर आप ये कह सकते हो कि जो पीटी की वैल्यू होगी वो हमेशा पी नोट और पीबी नोट के बीच में ही होगी टी की वैल्यू जो होगी वो पीए नॉट और पीबी नॉट के बीच में होगी ये क्यों बता रहा हूं इसलिए जरूरी कभी कभी क्या होता है कैलकुलेशन में हम कुछ गड़बड़ कर देते हैं और पीटी की वैल्यू पीए पी पीए नॉट और पीबी नॉट दोनों से ही ज्यादा आती है जो कि गलत है हमेशा पीटी की वैल्यू पीए नॉट और पीबी नॉट के बीच में होनी चाहिए राइट right? तो यहां से अरे मयंक बेटा मयंक कह रहा है ये फॉर्मूला किसी भी इंस्टेंट पे लगा सकते हैं नहीं लगा सकते कब लगाएंगे जब सिस्टम किस स्टेट में आ जाएगा इक्विलीब्रियम पर यानी जितना भी वेपराइजेशन होना था हो गया सिस्टम इक्विलीब्रियम की स्टेट में आ गया ये फॉर्मूला तब लगेगा जब सिस्टम इक्विलीब्रियम की स्टेट में आएगा लिख लेना यहां पर एट इक्विलिब्रियम राइट इक्विलिब्रियम की स्टेट पे आप कहोगे ऐसा होगा बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है एक्स ए पी ए नॉट पीबीक्वल्स टू एक्स बी पी बी नॉट अमन क्यों इसमें से कौन सी कौन सा पैरामीटर नेगेटिव दिख रहा है जो पीटी नेगेटिव हो जाए इसमें से कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है भाई तो पीटी की वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती फर्दर यहां पर इसी चीज को थोड़ा सा ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर देते हैं यहां पर तो एक अलग तरह का कर प्लॉट किया जाता है जिसे हम बॉक्स डायग्राम कहते हैं क्यों बॉक्स डायग्राम की जरूरत क्या है तो यहां पर ए और बी दो कंपोनेंट है तो यहां पर ए का मोल फ्रैक्शन जीरो और यहां पर ए का मोल फ्रैक्शन हो गया वन तो ये कर इससे आगे तो जाएगा ही नहीं क्योंकि एक्सए की वैल्यू मैक्सिमम वन हो सकती लेकिन जहां x से वन है वहां आप कह सकते हो x बी मोल फ्रैक्शन जीरो और यहां पर b का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया वन तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं दो कर्व एक साथ प्लॉट कर रहे हैं a और b दोनों के लिए लेकिन a के लिए ओरिजिन ये होगा b के लिए ओरिजिन ये होगा a का मोल फ्रैक्शन इस तरफ बढ़ रहा है तो b का मोल फ्रैक्शन इस तरफ बढ़ेगा अगर मैं आपसे पूछूं प्रेशर ऑफ ए कैसे वेरी कर रहा है तो इक्वेशन क्या है पी ए इक्वल टू एक्स ए टी तो ए का प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के साथ कैसे वेरी करेगा एक स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट लाइन होगा समथिंग लाइक दिस और ये जो इंटरसेप्ट होगा इसे मैं क्या कह सकता हूं पी ए नोट जब ए का मोल फ्रैक्शन वन हो गया तो जो उसका प्रेशर है वो पीए नोट ये किसका कर्व आ गया पी ए का अगर मुझे कहा जाए बी का कर प्लॉट करो तो अब बी के लिए ओरिजन क्या है बी के लिए ओरिजिन क्या है ये वाला पॉइंट कर उसका इस तरफ जाएगा अब वो इसके ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है वो इस पर डिपेंड करेगा कि पीए नोट और पीबी नोट में से कौन जाता है राइट right नाउ मैं मान रहा हूं पीबी नोट पी ए नोट से कम है तो अगर पी बी नोट की वैल्यू पी ए नोट से कम है तो वो यहां तक आएगा अगर ज्यादा है तो ऊपर लेके चले जाना पी बी नोट ये किसका कर हो गया Pb का या ना दोनों कर एक साथ प्लॉट कर दिया कर दिया हमने यहां पर हां चाहे तो एक और कर भी प्लॉट किया जा सकता है थर्ड वन किसके बीच में Pt Pt इक्वल टू एक्स ए पी ए नोट प्लस एक्स बी को क्या लिख सकता हूं वन माइनस एक्स ए पीबी अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो पीबी नॉट प्लस एक्स ए पी ए नॉट माइनस पीबी नोट तो पीटी वर्सेज एक्स ए हमारा हो गया वाई ये हमारा हो गया एक्स तो पीटी वर्सेज एक्स ए का कर भी एक स्ट्रेट लाइन आएगी बट इसका इंटरसेप्ट जीरो नहीं होगा इसका इंटरसेप्ट क्या होगा पीबी नोट यानी ये कर कहां से स्टार्ट होगा पीबी नॉट से एंड कहां होगा पीए नोट पर एंड जो होगा वो कहां होगा पीए नोट पर यानी समथिंग लाइक like ये किसका कर्व आ गया पीटी का ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया इंटरसेक्शन पॉइंट पे कुछ स्पेशल कुछ स्पेशल नहीं है बस कह सकते हो दोनों का वेपर प्रेशर बराबर आ रहा है इस इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब क्या हुआ यहां पर पी ए नॉट सॉरी पी ए और पीबी की वैल्यू बराबर है यानी दोनों का वेपर प्रेशर जो है वो बराबर है तो कुछ नहीं कर प्लॉट करने का एक तरीका है भाई इस तरह से भी ये कर्स प्लॉट किए जा सकते हैं तो फाइनली कह सकते हो अब हमारे पास फॉर्मूले भी है कि एक सॉल्यूशन हमने अगर बनाया है उसमें ए के कारण प्रेशर कितना होगा बी के कारण प्रेशर कितना होगा अगर फॉर्मूले इस तरह से हैं कि दो कंपोनेंट नहीं तीन चार कितने भी कंपोनेंट हो आप एक्स ए इंटू पी ए नॉट एक्स बी इंटू पी बी नॉट अगर तीसरा कंपोनेंट है तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला लगा सकते हो तो दिस इज राउ लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट तब आता है प्रिया हमेशा पी ए नोट पीबी नोट से बड़ा नहीं होगा यह कोई जरूरी नहीं है यहां पर मैंने मान लिया आप उल्टा मान लो आप ए को बी बोल दो बी को ए बोल दो ये तो वेरिएबल है एक्स और वाई फिक्स होता है क्या ये एक्स और ये वाई किसी एक को एक्स किसी एक को वाई किसी एक को ए एक को बी तो लो की यूं कह सकते हो कि इसका एप्लीकेशन जो है इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है अगर हम इस राउड स्लो को क्लब करते हैं डाल्टन स्लो ऑफ पार्शियल प्रेशर के साथ तो अब हम यहां क्या कर रहे हैं राउड स्लो और डाल्टन स्लो को कंबाइन करेंगे उससे क्या फायदा मिलेगा वो अभी देखेंगे तो हेडिंग डालो रिलेशनशिप बिटवीन राउड स्लो एंड डाल्टन स्लो कंटेनर है जिसमें हमने क्या किया ए और बी दो लिक्विड्स को मिक्स कर दिया ए और बी ए का मोल फ्रैक्शन है लिक्विड में एक्स ए बी का मोल फ्रैक्शन है एक्स बी हमें पता है ये ए और बी वेपर में जाएंगे और थोड़ी देर के बाद सिस्टम इक्विलीब्रियम पर आ जाएगा जब सिस्टम इक्विलीब्रियम पर आएगा तो वेपर के अंदर भी वेपर के अंदर ए का भी कुछ प्रेशर होगा वेपर के अंदर बी का भी कुछ प्रेशर होगा और टोटल प्रेशर जो होगा वो पीटी क्या होगा पी ए प्लस पीबी अब राइट नाउ वेपर में भी ए और बी दोनों हैं और लिक्विड के अंदर भी ए और बी दोनों हैं मतलब वेपर के अंदर भी ए और बी के कुछ मोल्स हैं अब क्वेश्चन ये आता है कि इस सिचुएशन पर वेपर के अंदर ए और बी का जो मोल फ्रैक्शन है क्या वो वही होगा जो लिक्विड के अंदर ए और बी का मोल फ्रैक्शन है मतलब लिक्विड की जो कंपोजिशन होगी क्या वही वेपर की कंपोजिशन होगी मतलब वेपर के अंदर ए और बी के मोल फ्रैक्शन वही होंगे जो लिक्विड के अंदर होंगे तो कह सकते हो सर क्या पता हमें सही बात है अभी हमें कुछ पता ही नहीं तो एक काम करते हैं अभी हम इक्वल नहीं मानते हैं मान लेते हैं कि वेपर के अंदर ए और बी का जो मोल फ्रैक्शन है वो वाई और वाई है वेपर के अंदर यस yes, इक्विलिब्रियम की ही बात हो रही है सारा डिस्कशन सब सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ गया क्योंकि वेपर प्रेशर टर्म ही तभी डिफाइन होती है एट इक्विलिब्रियम तो मान लेते हैं वेपर के अंदर ए और बी का मोल फ्रैक्शन है लिक्विड के अंदर ए और बी का मोल फ्रैक्शन है एक्स एक्स बी ठीक है देखेंगे अभी क्या वाईए एक्स के बराबर आता है या नहीं आता है वो अभी चेक करेंगे अब यहां पर डाल्टो क्या कहता है अकॉर्डिंग टू डाल्टलो वेपर डाल्टन स्लो ये कहता है डाल्टन स्लो को लिक्विड सोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है उसको केवल इस पार्ट से मतलब है गैसियस मिक्सर से मतलब है डाल्टन स्लो क्या कहता है कि किसी भी गेसियस मिक्सर में किसी एक कंपोनेंट का प्रेशर कितना होगा ये गैसेस मिक्सर है ये ए उसका एक कंपोनेंट है तो डाल्टन लो कहता है कि उस कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट ऑब्वियसली गैसेस स्टेट में उसे लिक्विड से तो कोई मतलब ही नहीं है तो डाल्टो कहता है कि ए का जो प्रेशर होगा वो ए के मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर के बराबर होगा हा या ना और B का प्रेशर क्या होगा B का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर लेकिन ये मॉल फ्रैक्शन वेपर के अंदर A और B का है गैसेस मिक्सचर में A और B का मोल फ्रैक्शन है बट सेम पार्शियल प्रेशर सेम पार्शियल प्रेशर ये हम राउल लॉ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं सब यही पार्शियल प्रेशर राउल स्लो से भी फाइंड आउट कर सकते हो और वो अभी हमने किया ही था जस्ट अभी हमने किया ही था तो अकॉर्डिंग टू राउल स्लो वेपर के अंदर ए का प्रेशर कितना होगा बट इंटरेस्टिंग पार्ट पता क्या है राउल स्लो वेपर के अंदर ए का प्रेशर बता रहा है बट मोल फ्रैक्शन कहां का यूज कर रहा है लिक्विड का मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पीटी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल्स टू मॉल फ्रैक्शन ऑफ बी सॉरी पीटी नहीं पी ए नॉट और ये पीबी नॉट यानी राउल स्लो प्रेशर तो वेपर का बताता है लेकिन मोल फ्रैक्शन किसके यूज करता है लिक्विड के ये एक्स एक्स बी लिक्विड के अंदर ए और बी का मोल फ्रैक्शन है वाई ए वाई बी वेपर के अंदर ए और बी का मोल फ्रैक्शन है अब आप क्या करो सेम पैरामीटर राउल्स लो से भी फाइंड आउट कर रहे हो डाल्टन स्लो से भी कर रहे हो राउल्स लो भी सही है डाल्टन स्लो भी सही है मतलब दोनों के रिजल्ट्स भी मैच करेंगे मतलब ये पीए यहां से निकालो या यहां से निकालोगे आंसर सेम आएगा दैट मीन्स वाई ए पी टी मस्ट बी इक्वल टू एक्स ए पी ए नोट एंड वाई बी पी टी मस्ट बी इक्वस टू एक्स बी पी बी नोट यहां पर हमने क्या किया एक्स ए एक्स बी वाई ए वाई बी पी ए नॉट बी नोट पी टी सबको एक दूसरे से रिलेट कर दिया सबको एक दूसरे से रिलेट कर दिया और ये हमें पता है जैसे एक्स ए एक्स बी का सम वन है उसी तरह से वाई ए वाई बी का सम भी वन ही होगा क्योंकि मोल फ्रैक्शन है तो वाई ए प्लस वाई बी का सम भी वन ही होगा अब क्वेश्चन यहां से यह आता है क्या x से वाई ए के बराबर होगा x से ए a के बराबर तब भी होगा जब P a नॉट की वैल्यू पीटी के बराबर होगी और पीए नॉट पीटी के बराबर तो तब होगा जब प्योर ए होगा और जब प्योर ए होगा तो x से वाई ए का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया सब वन वन हो गया यानी पीए नॉट पीटी के बराबर कब होगा जब x से तो भी वन तो वाई ए भी वन क्योंकि b है ही नहीं तब पीटी पी ए नॉट सब बराबर लेकिन अगर कोई मिक्सचर है तो पीए नॉट की वैल्यू पीटी के बराबर नहीं होगी अगर पीए नॉट पीटी के बराबर नहीं है तो वाई एक्सए के बराबर नहीं होगा मतलब वेपर के अंदर एक मोल फ्रैक्शन लिक्विड के अंदर एक मोल फ्रैक्शन के बराबर नहीं होगा मतलब यहां पर भी मिक्सर है यहां पर भी मिक्सर है गैसेज और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम भी है इक्विलिब्रियम होने के बावजूद लिक्विड की कुछ और है गैसेस की कंपोजिशन कुछ और है यानी सेम कंपोजिशन नहीं है दो देर इज इक्विलिब्रियम बट वेपर की कंपोजिशन कुछ और होगी लिक्विड की कंपोजिशन कुछ और होगी कंपोजिशन से मतलब यहां पर जब भी मैं ये लाइन बोलता हूं कंपोजिशन मतलब एक्स एक्स बी वाई ए वाई बी यहां पर एक्स एक्स बी वाई ए वाई बी की वैल्यू सेम नहीं होगी ये चीज दिमाग में ऐसी फिट कर लो कि आपको स्पॉन्टेनियसली अपने आप लगे हाँ ये तो हो गई ये नेचुरल लगना चाहिए ये चीज इतनी सोचो जैसे होता ना इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज अपने को आप आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ये इतना सुन लेते हैं इतना सुन लेते हैं कि ये नेचुरल सा लगने लगता है सबको पता होता है जिसने किसी ने साइंस पढ़ी हो या ना पढ़ी हो जिसका इलेवन ट्वेल्थ में साइंस है या नहीं उसको भी पता होता है ग्रेविटेशनल फोर्स सबको पता होता है क्या होता है क्योंकि वो इतना यूज कर चुके हैं हम तो यहां पर वही चीज इतनी सोचो कि ये नेचुरल सा लगने लगे बहुत छोटी सी चीज है लेकिन दिमाग में फिट हो जानी चाहिए कि अगर ए और बी का कोई मिक्सर है ये मिक्सर वेपराइज होगा वेपर में भी ए और बी होंगे अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि यहां से इस गैसेस मिक्सर को बाहर निकाल लो इस गैसेस मिक्सचर को बाहर निकालो, निकालो इक्विलिब्रियम आने के बाद और वापस उस पर प्रेशर लगा के उसे कंडेंस कर दो लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगा लेकिन वो जो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा उसकी कंपोजिशन कुछ और होगी ओरिजिनल सॉल्यूशन की कंपोजिशन कुछ और होगी बात समझ में आई क्या बताया मैंने लेट से आपने ए और बी का एक मिक्सचर बनाया उस मिक्सर को वेपराइज किया जब इक्विलिब्रियम आ गया तो यहां पर जो वेपर्स बनी थी उसे बाहर निकाला बाहर निकालने के बाद तो उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया जिससे वो गैसेस मिक्सचर फिर से किस में कन्वर्ट हो गया लिक्विड में कन्वर्ट हो गया लेकिन वो जो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा उसकी कंपोजिशन उस ओरिजिनल वाले लिक्विड सोल्यूशन से कुछ और होगी सेम नहीं होगी बदल जाएगा यानी कि फिर से सोल्यूशन बन गया तो वही होगा नहीं होगा वो बदल जाएगा क्योंकि इस वेपर की कंपोजिशन और है लिक्विड सोल्यूशन की कंपोजिशन कुछ और है राइट right? अब यहां पर क्वेश्चन आते हैं कुछ पैरामीटर्स दे रखे होंगे कुछ पैरामीटर्स फाइंड आउट करने होंगे आपको जो कि आप यहां से कर सकते हो चलिए क्वेश्चन दे देता हूं आप लोगों को फाइंड वाई ए वाई बी एंड पी टी इफ One mole liquid A is mixed with three mole liquid B given. पी ए नॉट थर्टी टॉर पी पी नॉट वन मॉल लिक्विड ए ए गायब हो गया यार वन मॉल लिक्विड ए इज मिक्सड विथ वन मॉल सॉरी वन मॉल लिक्विड ए इज मिक्सड विथ थ्री मॉल्स लिक्विड बी फाइंड वाई ए वाई बी एंड पीटी अमन बेटा पी ए वर्सेज पीटी का कर कौन बना रहा है पी ए वर्सेज एक्सए का कर प्लॉट किया था हमने पीटी वर्सेज एक्से का कर प्लॉट किया था अमन ने वही गड़बड़ कर दी 25 अमन का प्रेशर आ गया है अमन जबकि इसका 10 इसका 20 और पीटी 25 जो कि हो ही नहीं सकता ध्रुव का भी कुछ गड़बड़ाया आंसर ध्रुव का आंसर आ रहा है पीटी का फाइव यानी ना टेन से ज्यादा टेन और ट्वेंटी दोनों से ही कम ऐसा

तो वन इंटू ट्वेंटी प्लस थ्री इंटू टेन डिवाइडेड बाई फोर तो यह आंसर आ जाता है ट्वेंटेल इसमें कहा गड़बड़ है समझ में नहीं आ रहा है सेवनटीन पॉइंट फाइव ट्वेंटी फाइव पता नहीं ट्वेल्व पॉइंट फाइव तो सही है खेर वाई ए पी टी equals to एक्स ए विच इज पॉइंट टू फाइव इसको वन बाई फोर ही लिख देते हैं into 20 ट्वेंटी तो वाई ये इक्वस टू आ गया फाइव यानी पॉइंट फोर फाइव डिवाइडेड बाय 12.5 पॉइंट फाइव तो वाई बी भी निकाल सकते हो और वाई बी की वैल्यू आ जाएगी पॉइंट सिक्स या ना ये फॉर्मूला कौन सा लगाया मैंने यहां पर ये फॉर्मूला वाई ए पीटी इक्वस टू एक्स ए पी ए नोट चाहो तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा दो वाई बी पी टी इक्वस टू एक्स बी पी बी नोट इससे वाई ए वाई भी आ जाए इवन आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो पी टी निकाल के वाई ए वाई बी निकालना कोई जरूरी नहीं है दोनों का रेशियो ले लो तो वाई ए अपॉन वाई बी इक्वल्स टू एक्स ए अपॉन एक्स बी पी ए नॉट अपॉन बी नॉट पी ए नॉट अपॉन बी नॉट डायरेक्टली यहां से भी कर सकते हो ए और बी का मोल फ्रैक्शन का रेशियो वन टू थ्री ट्वेंटी डिवाइडेड बाय टेन यानी ये रेशियो आ गया टू बाई थ्री रेशियो पता है मतलब फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो हाँ ना अगर वाई ए अपॉन वाई बी का रेशियो टू बाई थ्री है तो वाई ए की वैल्यू क्या होगी ये ध्यान रखना इस चैप्टर में कहीं पर भी रेशियो पता है मतलब वाईए वाई बी की वैल्यू भी पता है वाई ए वाई बी टू बाई थ्री है तो वाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी टू बाई फाइव विच इज पॉइंट फोर वाई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी पॉइंट सिक्स इवन एक चीज और बता दूं क्वेश्चन में कभी कभी चलो उल्टा चाहते हैं फाइंड पी टी एफ वाई ए इक्वल्स टू Point five PA not twenty five tor PB not करो ए नोट दे रखा है बी नोट दे रखा है ए दे रखा है बताइए पीटी की वैल्यू क्या होगी ट्वेंटी एक आंसर आ रहा है ट्वेंटी एक आंसर आ रहा है फिफ्टीन एक आंसर आ रहा है हंड्रेड बाई सेवन और ट्वेंटी फिफ्टीन हंड्रेड बाई सेवन एक बार लिखो बेटा बार बार मत लिखो लक्ष्य होषिता भार्गव अविरल इन सबका तो 15 शेखर का 20 शेखर का 20 हिंदराज का 100 बाई सेवन वेरी गुड बेटा नैतिक क्यों जबरदस्ती सुनना चाहते हो हैं टॉर क्या है थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा था केपी क्या है अब वाई ये दे रखा है इंट फाइव तो वाई बी बी पॉइंट फाइव दो तरीके हैं या तो वाई ए वाई बी से पहले एक्स एक्स बी फाइंड आउट करो और एक्स एक्स बी से पी टी ये थोड़ा लेंदी है लेकिन कैसे करेंगे वो बता देता हूं फॉर्मूला वाई ए पी टी इक्वल्स टू एक्स ए पी ए नॉट अपॉन वाई बी पी टी इक्वल्स टू एक्स बी पी बी नॉट वाई ए वाई बी पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव एक्स ए एक्न एक्स बी निकालना है थर्टी अपॉन टेन थर्टी अपॉन टेन तो यहां से ये वैल्यू आ जाती है वन बाई थ्री मतलब क्या हुआ x ए अपॉन एक्स बी वन बाई थ्री तो इससे x एक्सए की वैल्यू कितनी आ गई वन बाई फोर एक्स बी की वैल्यू कितनी आ गई थ्री बाई फोर अब आप यहां से क्या निकाल सकते हो पी टी तो पी टी इक्वल टू वन बाई फोर थ्री बाई फोर करेंगे तो थर्टी प्लस थर्टी डिवाइडेड बाई फोर यानी आंसर इज फिफ्टीन लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो गया इसी का एक दूसरा तरीका बताता हूं डायरेक्ट वाई ए वाई बी से भी पीटी निकाल सकते हो हाँ उसके लिए एक फॉर्मूला पहले डिराइव करना पड़ेगा एक्सए प्लस एक्स बी का सम वन होता है अब मैं यहां से ए की वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं तो एक्सए एक इक्व क्या हो जाएगा वाई ए पी टी अपॉन पी ए नॉट प्लस वाई बी पी टी अपॉन पी बी नॉट इक्वस टू वन तो यहां से फॉर्मूला क्या आ गया वाई ए पी ए नॉट प्लस वाई बी पी बी नॉट इक्वस टू वन अपॉन पी टी फॉर्मुला भी याद कर लेना इससे भी चेक कर लो आंसर वही आएगा ठीक है लेकिन अब मैं वापस पिछले वाले क्वेश्चन पर जा रहा हूं पिछले वाले क्वेश्चन पर जा रहा हूं उससे मुझे कुछ और आपको समझाना है ये जो क्वेश्चन हमने किया था इससे पहले वाला उसके डेटा अच्छी तरह से देख लो इस क्वेश्चन में हम, मैंने आपको पी नोट दिया था ट्वेंटी टोर पीबी नोट दिया था टेन टोर इनिशियली ए का मोल फ्रैक्शन वन बाई फोर बी का मोल फ्रैक्शन थ्री बाई फोर और फिर हमने इससे वाई ए वाई बी फाइंड आउट किया वाई ए की वैल्यू है YB की वैल्यू है पॉइंट सिक्स यानी वेपर के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन कम है बी का मोल फ्रैक्शन ए से ज्यादा है लिक्विड के अंदर ए और बी का मोल फ्रैक्शन इतना है पी ए नॉट और पी बी नॉट की वैल्यू यहां पर दिख रही है क्वेश्चन मेरा यह है अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ए और बी में से अगर ये सारे डेटा आपके सामने हैं सारे डेटा आपके सामने और क्वेश्चन ये पुट अप किया जाए ए और बी में से कौन ज्यादा वॉलेटाइल है तो आंसर क्या होगा ए इज मोर वॉलेटाइल और बी इज मोर वॉलेटाइल ए और बी में से कौन ज्यादा वॉलेटाइल है बी ज्यादा वॉलेटाइल है श्रीराज का कहना ए ज्यादा वॉलेटाइल है हर्षित का कहना ए अरविंद का कहना मयंक का कहना है बी आर्यन का कहना ए कैलाश का ए प्रिया का कहना है बी प्रीतम का कहना ए ए और बी में कंफ्यूजन है अच्छा ए क्यों ज्यादा वोलेटायल है ऐसा क्यों लग रहा है और बी क्यों ज्यादा वॉलेटाइल है उसके पीछे लॉजिक क्या है ए और बी में से कौन ज्यादा वॉलेटायल है इसके पीछे क्या लॉजिक है लॉजिक क्या है भाई लॉजिक श्री जल ये नाम है क्या बेटा श्री जल B का मोल फ्रैक्शन गेसिस स्टेट में ज्यादा इसीलिए B ज्यादा वोलेटाइल है बट मैं आपको बता दूं अगर क्वेश्चन आता है विच इज मोर वॉलेटाइल तो आंसर इज ए जिसका वेपर प्रेशर पी ए नॉट पी बी नॉट से ज्यादा है जिसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ज्यादा है वही ज्यादा वॉलेटाइल कहलाएगा हाँ राइट नाउ वेपर के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन कम है बी का उससे ज्यादा वो इसलिए क्योंकि लिक्विड में आपने बी के मोल्स ही ज्यादा लिए लिक्विड में अगर बी के मोल्स ज्यादा लिए तो वेपर के अंदर भी ज्यादा ही होगा यार ए अगर ये ही कम है ए की क्वांटिटी कम है तो ये थोड़ी उतना वेपराइज होगा तो कौन ज्यादा वोलेटाइल है कौन कम वॉलेटाइल है ये वाई ए वाई बी से डिसाइड नहीं होता है ये केवल किससे डिसाइड होता है पी ए नोट और पीबी नोट से ध्यान रखना पहली चीज तो यह केवल किससे डिसाइड होगा पी ए नॉट और पीबी नॉट से तो जिसका पी ए नॉट जिसका पी नॉट ज्यादा वो ज्यादा वॉलेटाइल क्लियर लेकिन अब यहां पर पॉइंट ये आता है अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ए इज मोर वॉलेटाइल इफ ए इज मोर वॉलेटाइल क्या इसका मतलब वाई ए वाई बी से ज्यादा है क्या इसका मतलब वाईए की वैल्यू वाई बी से ज्यादा उसी क्वेश्चन को उल्टा पुट कर रहा हूं क्या इसका मतलब वाईए वाई बी से ज्यादा है कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है हो सकता है वाईए वाई बी से ज्यादा हो बट इसकी कोई गारंटी नहीं है हाँ ए इज मोर वोलेटाइल मतलब पीए नोट की वैल्यू पीए नोट पीबी नोट से ज्यादा है इसका मतलब यह है ये आप कह सकते हो लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज यहां से सामने आती है अगर ए ज्यादा वॉलेटाइल है तो यह तो कंफर्म हो गया कि पीए नॉट पी नॉट से ज्यादा है तो ये जो पीटी होगा पीटी की जो वैल्यू होगी वो पीए नोट से कम ही होगी क्योंकि पीटी पीए नोट और पीबी नोट के बीच में होना चाहिए पीए नोट ज्यादा है तो पीटी की वैल्यू पीए नोट से कम होगी तो मैं एक और चीज लिख एक नोट चाहो तो लिख देना पीटी ग्रेटर देन पीबी नोट अगर ए ज्यादा वॉलेटाइल है तो और अगर पीटी पीए नोट से कम है ये दोनों वैल्यूज तो बराबर अगर ये कम है तो ये ज्यादा होगी किससे एक्से से मतलब अगर ए ज्यादा वोलेटाइल है तो वाई ए मस्ट बी ग्रेटर देन से यानी इसका मतलब क्या हुआ अगर ए ज्यादा वोलेटाइल है तो वेपर के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन जो होगा लिक्विड के अंदर उसके मोल फ्रैक्शन से ज्यादा होगा जैसे इस क्वेश्चन में देखें तो लिक्विड के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन पॉइंट टू फाइव वेपर के अंदर पॉइंट फोर वाई एज ग्रेटर देन एक्स ए वाईए वाई बी वाई से ज्यादा होगा या नहीं होगा वो एक अलग बात है वो तो क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा कि ए के कितने मोल्स डालें बी के कितने मोल्स डालें लेकिन अगर ए ज्यादा वोलेटाइल है वाई तो ए की वैल्यू एक्सए से ज्यादा होगी एक्से कितना भी हो अब एक्स ए पॉइंट थ्री है तो वाई ए पॉइंट थ्री से ज्यादा होगा। देन एक्स ए और उल्टा वाई बी के लिए क्या कह सकते हो वाई बी मस्ट बी लेस देन एक्स बी वाई बी की जो वैल्यू होगी वो एक्स बी से कम होगी यहां पॉइंट सेवन फाइव एक्स बी की वैल्यू वाई बी की वैल्यू पॉइंट सिक्स कम हो गई राइट right? ये ध्यान रखना क्या चीज कमेंट कर सकते हैं क्या क्या नहीं कर सकते हैं, वो यहां से आपको समझ में आएगा कौन ज्यादा वॉलेटाइल है कौन कम वॉलेटाइल है ये सारे स्टेटमेंट में तब लिख रहा हूं इफ ए इज मोर वॉलेटाइल इफ ए इज मोर वॉलेटाइल और यहीं पर एक लाइन और लिखो ताकि हमेशा आपको याद रहे बट वाई ए में भी ग्रेटर देन और लेस देन वाई बी पटवाईए की वैल्यू वाई बी से ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है ये आगे अभी चैप्टर को समझने में बहुत जरूरी चीजें हैं। ये अच्छी तरह से याद रखना ये जो मैं बातें बता रहा हूं ये दिमाग में फिट हो जानी चाहिए क्या चीज किससे कहा जा सकता है किससे क्या चीज कंक्लूड नहीं कर सकते हैं जनता को बोलो ए इज मोर वोलेटाइल बस उन्हें लगता अब तो ए तो बस ए ही हो गया अब उसका कोई कंपिटिटर ही नहीं रहा सब एक का ज्यादा ए इज मोर वॉलेटाइल मतलब पी ए भी ज्यादा पी ए नोट भी ज्यादा वाई ए भी ज्यादा एक्स से भी ज्यादा तो भाई ऐसा नहीं है चेक करना पड़ेगा ए इज मोर वॉलेटाइल का मतलब हां ये कुछ कंक्लूजन आप कह सकते हो कि पी ए नॉट बी नोट से ज्यादा अब पी ए नॉट बी नोट से ज्यादा तो पी ए नोट की वैल्यू पी टी से भी ज्यादा होगी क्योंकि पी टी पी ए नोट बी नोट के बराबर है तो वाई ए एक्स से ज्यादा होगा इसका यूज क्या है वो चलिए वो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इससे आके ठीक है नेक्स्ट क्लास का होमवर्क क्या है तो एक तो मेरे हिसाब से जेई मेंस का जो भी बचा हुआ पार्ट है वो करेंगे जेई मेंस का बचा हुआ पार्ट और जेई एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन तो वैसे मैं करवा चुका हूं टू ट्वेंटी नाइन जेई एडवांस अप टू ट्वेंटी नाइन और जेई मेंस -E के बचे हुए क्वेश्चन ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे पुशअप करो थोड़ा सा अपने आप को हो जाएगा बहुत सारे तो कर चुके हैं इसमें से है ना 29 में से बहुत सारे कर चुके हैं थोड़ा और पुश करोगे हो जाएगा आसान है मतलब टेकिंग हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसा नहीं नहीं हो रहा है, टेकिंग हो सकता है बट हो जाएगा रूपक अभी सब आएगा डोंट वरी चैप्टर खत्म थोड़ी हुआ अभी थोड़ा वेट तो करो पिक्चर के स्टार्टिंग में ही पिक्चर का एंड बता दो तो फिर क्या मजा आएगा रूपक चल होमवर्क करके आओगे ना तो वो भी करेंगे थोड़ा थोड़ा सब चिंता मत करो और कर चुके हैं देखो मैं सीरियसली बताऊं देखो जेई एडवांस की जो तैयारी करते ना केवल टेन परसेंट जनता जो भी मुझे लगता है हायर साइड में टेन परसेंट जनता जो है शायद वो होमवर्क ठीक ठाक करती है मतलब ठीक ठाक लेवल पर वो जेई एडवांस लगाते हैं मतलब हार्डली सिक्स सेवन परसेंट होते होंगे जो अपना होमवर्क मतलब एस वन ओ वन जेई मीन जेई एडवांस ओ टू एच टू तो छोड़ो सिक्स सेवन परसेंट ऐसे होते हैं जो ये सारा पूरा करते हैं और ढंग से रिवाइज करते हैं। अगर कोई भी इनको ढंग से कर रहा है ढंग से रिवाइज कर रहा है उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता ये मैं आपको लिख के देता हूं क्योंकि ऐसे करने वाले बहुत कम लोग हैं बहुत कम लोग हैं जो ये ढंग से करते हैं ये फैक्ट है जो ढंग से यह सब कर रहा है ना और ढंग से रिवाइज कर ले उनका सिलेक्शन पक्का है और पूछ लेना जिसका सिलेक्शन हुआ है उससे पूछ लेना कि यार क्या करते थे अंक कोटा में भी सब जगह बेटा कोई इसलिए कर लो ये ये अगर कर लिया ना तो कहां चले जाओगे तुम्हें नहीं पता तो इसलिए ढंग से होमवर्क करो मॉक टेस्ट कैसे होंगे जब होंगे तब तो सब पता चल जाएगा तुम तो अभी होमवर्क करो आगे की मत सोचो ज्यादा। लक्ष्य क्या होगा क्या नहीं होगा तुम बस जो कहा जाता है सोचो नेक्स्ट क्लास तक क्या करना उसके आगे तुम कुछ मत सोचो आज का टारगेट मिल गया खत्म इतना सा ध्यान रखो बस रिलैक्स रहोगे टेंशन भी नहीं होगी सब पता चल जाएगा कब क्या करना है सब कुछ मिलेगा ऋषि बेटा अभी कोर्स चल रहा है उसको ढंग से करो रिवीजन प्लान उसके बाद आएगा तब कर लेना पहले कोर्स कंप्लीट करो ढंग से अच्छी तरह से होमवर्क करो जो कहा जा रहा है फिर सारी बातें ठीक है बाय बाय